दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जो इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है। जानकारी दे दें कि दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े शराब घोटाले मामले में ईडी और सीबीआई मनीष सिसोदिया के खिलाफ कई मामलों में छानबीन कर रही है और लगभग 11 महीनों से ज्यादा हो चुके हैं सिसोदिया को तिहाड़ जेल में रहते हुए। इस दौरान देखा गया कि मनीष सिसोदिया अंतरिम जमानत पर कई बार जेल से बाहर भी आए। हाल ही में मनीष सिसोदिया की तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई और उसके बाद उन्हें आनंद फानंद में दिल्ली के LNJP हॉस्पिटल एडमिट कराया गया। उसके बाद अब मनीष सिसोदिया ने एक बड़ी गुहार राव सवेनी कोर्ट से लगाई है। दरअसल आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने अब अदालत से मांग की है कि हफ्ते में 2 दिन वे अपनी बीमार पत्नी से मिल सके। क्या कुछ पूरा मामला है अब आपको विस्तार से बताते हैं। पिछले 11 महीनों से ज्यादा जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत मांगी। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है। इस मामले में अगली सुनवाई 2 फरवरी को होगी। जमानत याचिका खारिज होने के बाद एक बार फिर मनीष सिसोदिया ने कोर्ट से गुहार लगाई। उन्होंने याचिका दायर करते हुए मांग की है कि हफ्ते में 2 दिन बीमार पत्नी से मिलने के लिए उन्हें कस्टोडियल पैरोल दी जाए। मनीष सिसोदिया की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी करते हुए अदालत ने जवाब मांगा है। वहीं इस मामले में अब 2 फरवरी को सुनवाई होगी। पत्नी के खाते में एक बार फिर से मनीष सिसोदिया ने कोर्ट से एक बड़ी गुहार लगाई है। अब ऐसे में देखना काफी अहम रहेगा कि क्या 2 फरवरी को कोई राहत यहां पर मनीष सिसोदिया को मिलती हुई नजर आएगी या जेल से बाहर निकलते हुए अब मनीष सिसोदिया नजर आएंगे। एक बार फिर से पत्नी से मिलते हुए मनीष सिसोदिया नजर आते हैं या नहीं, देखना काफी अहम रहेगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की सभी खबरों के लिए बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।